हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम माय ट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सेवन की मैथ एक्सरसाइज 5.1 है और क्वेश्चन नंबर टू प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन तक कंप्लीट करवा चुके हैं अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से सब आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं साथ ही हमारे चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन आल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहे हैं आपसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनशियल फॉर्म यानी आपको यहां पर नंबर दिए गए हैं टू मल्टीपल टू टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू तो आपको किसके क्या करना है इसको एक्सपोनशियल फॉर्म में नोट करना है वेरी इजिली क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में मिनिमम वन मार्क्स में क्वेश्चन आते ही है तो इसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखें चलिए सोल्यूशन देते हैं कैसे करेंगे देखिए जैसे टू टू लिखा होगा तो आप क्या करिए पहले टू लिख लीजिए बेस अब बेस की पावर लगानी अब पावर क्या होगी आप जितनी टाइम्स दिया गया उतने काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री थ्री सिक्स है मल्टीपी सेवन टाइम्स से लिखा हुआ है तो टू की पावर सेवन दैट इज आंसर बस आपको जितने भी नंबर्स टू दिए गए वो नंबर बेस पे लिख लीजिए और जितने टाइम दिए उनको काउंट करके आप उसके बेस पावर लगा लीजिए दैट इज आंसर आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको और इसी तरह देखिए बी क्वेश्चन में भी दिया गया है और यहाँ पे देखिए जड़ जड जड जड़ लिखे हुए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे हम देखिये क्वेश्चन लिख नहीं रहे यही क्वेश्चन बुक से पढ़ाकर आपको बता रहे हैं जैसे देखिए जड जेड लिखा हुआ है तो आप क्या करिए बेस जेड लिख लीजिए और जेड जितनी टाइम्स लिखे उतने काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आप क्या लिख देंगे जेड की पावर टेन दैट इज आंसर बस इस तरह आपको सोल्यूशन करने हैं अब आपको देखिए सी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं इसमें क्या दिया गया देखिए ऐसे दिया गया बी मल्टीपल बी मल्टीपल बी मल्टीपल बी मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए अब देखिए अभी क्या था कि सिर्फ मिल रहे थे ये जड जड ही मिल रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि बी भी आ गया और ए भी आ गए अब इनको कैसे सोल्यूशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले बी लिखा हो तो आप बी लिख लीजिए बेस अब जितने टाइम्स बी लिखा हो वन टू थ्री फोर तो बी की पावर क्या लिख देंगे फोर मल्टीपल साइन लगा लेंगे और ए लिख लीजिए तो ए कितना A बेस हो क्वेश्चन तो आप, आप, आप कर सकते हैं यहाँ पे देखिए डी क्वेश्चन भी दिया गया है इसी तरह से और ई e क्वेश्चन भी दिए गए हैं सेम आपको ऐसे ही नोट करने हैं देखिए डी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको तो एट मल्टीपल एट मल्टीपल सेवन मल्टीपल सेवन मल्टीपल सेवन और मल्टीपल टू मल्टीपल टू मल्टीपल टू और मल्टीपल टू कैसे सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए एट लिखा हो एट टू टाइम है एट की पावर टू मल्टीपल सेवन की पावर थ्री और टू की पावर थ्री बस दैट इज आंसर यानी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ आप उसका बेस लिखिए और जितने टाइम्स वो नंबर दिए गए हों उतनी आप वहाँ पर पावर लगा दीजिए दैट इज आंसर तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बिल्कुल ईजी है इसी तरह आप आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं आई होप मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो वीडियो पसंद आ रहे हो क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो और मेरे चैनल पे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं इसलिए हमारे एक एक क्वेश्चन पे आप पढ़ते चले क्योंकि यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप जरूर से जरूर उसको ध्यान दें अपने जो भी क्लास फ्रेंड है उनको शेयर भी मेरी वीडियोस कर दी जिससे वो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पढ़ सके मैथ्स अच्छे से पढ़ सके और एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो